नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुजानगंज थाना क्षेत्र के कोताव गांव में मंगलवार की सुबह मामूली बात को लेकर युवक ने वृद्ध को राड से पीटकर मार डाला। भूसा को लेकर दो व्यक्तियों के बीच हो रहे विवाद में हस्तक्षेप करने के कारण वृद्ध को जान गंवानी पड़ी। पुलिस नामजद आरोपितों की तलाश में जुटी है। आपको बताते चलें कि सुजानगंज थाना क्षेत्र के कोताव गांव निवासी 70 वर्षीय प्रेमानंद मिश्र उर्फ बग्गड़ खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव के ही अनुसूचित जाति के राजित राम व विनोद मिश्र के बीच भूसा को लेकर विवाद हो रहा था। प्रेमानंद मिश्र ने हस्तक्षेप करते हुए राजित राम की तरफदारी कर दी। इससे विनोद मिश्र आक्रोशित हो गए और धमकी देते हुए चले गए। राजित राम भी अपने घर चला गया। आरोप है कि कुछ ही देर बाद आक्रोशित विनोद मिश्र घर से लोहे का राड लेकर पहुंचे और रास्ते में ही प्रेमानंद मिश्र पर हमला कर दिया। पिटाई से प्रेमानंद के सिर में गंभीर चोटें आई और वह बेहोश होकर गिर पड़े। मौके से हमलावर भाग निकला। परिजन उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल से रेफर किए जाने पर परिजन BHU ट्रामा सेंटर ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि आरोपित विनोद मिश्र ने राजित राम से भूसा खरीदने का सौदा किया था। 2-3 खांची नमूने के तौर पर लेने के बाद विनोद मिश्र ने भूसा खराब होना बताते हुए खरीदने से मना कर दिया। इसी को लेकर राजित राम व विनोद मिश्र के बीच कहासुनी हो रही थी। प्रेमानंद मिश्र का समझाना विनोद को नागवार लग गया। सुबह मिली तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मौत की सूचना के बाद धारा परिवर्तित की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।